देखिए, 5 पुस्तकों और 7 कलमों का मूल 79 रुपया है, जबकि 7 पुस्तकों और 5 कलमों का मूल 77 रुपया है। तो एक पुस्तक और 2 कलम का मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना एक पुस्तक का मूल ₹100 तथा एक कलम का मूल ₹Y। ठीक है, प्रश्न से 5 वो पुस्तक है और 7 वो कलम है, तो इनका कॉस्ट ये होगा बराबर में 79, समीकरण 1। और 7 वो पुस्तक है और 5 वो कलम है, तो टोटल 77 रुपये लग रहा है, ये समीकरण 2। एक काम करते हैं हम लोग, एक बार इन दोनों को जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं। समीकरण इसे डायरेक्ट भी बन सकता है, 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि देखो ना, ये इसका गुणांक इसके गुणांक इसके गुणांक इसके गुणांक इक्वल है, या फिर आप 7 5 से इसमें 7 से इसमें 5 से गुणा करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 12x+12y बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा यहाँ 16 का 6 1 7 14 1 15। ठीक है, तो 12 कॉमन कर लेते हैं, x+y बराबर में 156 ये जाएगा भाग में, तो x+y बराबर में 156/12। 12 एकम 12 और 12 3 36 यानी कि x+y बराबर में 13। समीकरण 3 ले लेते हैं। अच्छा, फिर घटा भी लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाते हैं तो देखो क्या होता है। इसमें से इसको घटाएंगे, -2x+2y और बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, -2 कॉमन करते हैं, x-y बराबर दे जाएगा भाग में, x-y = -1 आ जाएगा, समीकरण 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से ठीक है क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पर x+y = 13 और यहाँ x-y = -1। यहाँ देखिए ये कट जाएगा, 2x = 12 हो जाएगा, x = 6 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, 3 या 4 में x का मान इसे 1 2 में रखने पर भी आ जाएगा, समीकरण 3 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, 6+y = 13 तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 7। तो अब लिख सकते हैं, इसलिए हमें क्या निकालना है, एक पुस्तक तथा 2 कलमों का मूल्य। ठीक है, तो एक पुस्तक का ₹100 और 2 कलमों का मूल्य ₹2, यानी कि आ जाएगा आपका 6+2 × 7 = 14 और 6 = 20, ₹20 लगेगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन